दोस्तों, जब हम बर्ड लेने का विचार करते हैं या फिर जब परचेज करना चाहते हैं, उस टाइम जब हम मार्केट में जाते हैं बर्ड लेने के लिए, तो कभी हमें बड़ा बर्ड मिलता है या फिर कभी हमें छोटा बर्ड मिलता है। तो हमें इसे किस तरह से रखना है, हम काफ़ी जो नए लोग हैं वो छोटे बर्ड को देख के थोड़ा डर जाते हैं कि हम इसको रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बड़े बर्ड जिस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, छोटे बर्ड भी उसी तरह सर्वाइव करते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि बड़ा बर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो गया है या फिर छोटे बर्ड का ख़राब है। अगर छोटा बर्ड का भी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, इसी के कारण वो जीवित है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब रहेगा तो बर्ड आपका जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि बर्ड्स में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो मेडिसिन बहुत कम ही काम करता है, बहुत ना के बराबर समझिए काम करता है। और बर्ड्स आपका स्वस्थ है, अगर बर्ड्स फीड वगैरह मांग रहे हैं तो आप इस तरह का बर्ड्स आराम से खरीद सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें से आपको कुछ नहीं देखना है। आपको देखना है बर्ड सिर्फ आपका एक्टिव है। ये देखिए, मैं आपको दो बर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। एक जो हल्का बड़ा है और एक थोड़ा सा उससे भी छोटा है, जो कि इसका आईज अभी हल्का हल्का खुलना स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग हैंड फीड करा सकते हैं और इसको हम लोग जीवित भी रख सकते हैं, बिल्कुल मरेगा नहीं। आपको कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको लेना है मार्केट से जो भी बर्ड आप ले रहे हैं वो आपका हेल्दी होना चाहिए और खाता पीता हुआ होना चाहिए, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है सत्तू घोल लेना है। बहुत से लोग पेट्स लाइफ भी देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, सरले भी देते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो है सत्तू, क्योंकि इनको ज़्यादा, ये मकाऊ के बच्चे नहीं है, ना ही ये अफ्रीकन ग्रे है, ना ही ये सनकुनूर है, ये है हमारे पहाड़ी के बच्चे। तो इनको इतना फूड इनका बॉडी के लिए सूटेबल है। हाँ, ज़्यादा हाई प्रोटीन भी नहीं देना है और सत्तू काफ़ी स्ट्रांग मतलब फूड हो जाता है इनके लिए, और इनका ग्रोथ भी बहुत जल्दी मुझे देखने को मिल जाता है। इसके कारण मैं जो है अक्सर सत्तू का ही प्रयोग करता हूँ, जो चने का सत्तू होता है। छोटे बच्चों को भी अगर आप लेते हैं तो आराम से फीड कराएं, धीरे धीरे आपको इस तरह से फीड कराना है। ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 5 मिनट लगता है समय, आपको घबराना नहीं है जब आप परचेज कर रहे हैं। ये देखिए, बच्चे को मैं उठा के आपको दिखाता हूँ कितना छोटा है। ये देखिए, बिल्कुल ये मरेगा नहीं, बिल्कुल ये स्वस्थ रहेगा और काफ़ी शानदार ये ग्रोथ भी करेगा। ये फर्स्ट डे का आपने वीडियो देखा, ये देखिए सेकंड डे का थोड़ा सा एक्टिव जो है वो बढ़ गया है, बच्चे काफ़ी एक्टिव है। बाज़ार से आपको सिर्फ लेते समय यही ध्यान देना है कि बच्चा हमारा जो मिले वो हमें एक्टिव मिले, यानी कि जब मुंह पे उसका हाथ दे तो वो फीड मांगे, यही मेन पहचान होता है पहाड़ी पैरोट का परचेज करने का। अगर फीड मांग रहा है तो आपका बच्चा कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या है कि मरने का चांसेस कुछ नहीं है, बिल्कुल आपका स्वस्थ बच्चा है। आप इस तरह से बच्चे को आराम से ले सकते हैं। मार्केट में इसका प्राइस मिनिमम जो है कि 500-600 से लेके आपको 1000 रुपीज़ तक मिल सकता है। 500-600 जो मैंने आपको बताया ये मिनिमम प्राइस है, कहीं कहीं मिलेगा, मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो 1000 रुपये इसका जो है रेट अभी मार्केट में चल रहा है। अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीक़े से लोग जो है बाई करते हैं, अलग अलग मार्केट होता है, अलग अलग प्राइसिंग होता है, जिसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो भी था मैंने आपको बता दिया, प्राइस जो है 1000 रुपये तक आपको मिलता है बच्चा, तो ये सूटेबल है। वैसे आप लब्बड़ का बच्चा लेंगे तो सेम दिखेगा, इसी साइज़ का होता है, जो कि पहाड़ी के बच्चे ये जो दिख रहा है, ये देखिए, उसको भी पालना आसान होता है, लब्बट के बच्चे को भी, और इसको भी आप आसानी से पाल सकते हैं। बच्चा छोटा है देखने में, आपको नया, जो लोग हैं जो लोग नया पालना चाह रहे हैं वो तो देखेंगे तो बोलेंगे अचानक कि अरे वाह ये तो बहुत छोटा है, मर जाएगा। ऐसा कोई भी, आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है, बच्चा छोटा है, मुझे पता है, देखने में भी छोटा है, आपको भी देखने में छोटा लगेगा, ये सबको पता है। लेकिन इसको जो फीड है वो मैंने जो जिस तरह से बताया है, अगर आप वो देते हैं 3 टाइम तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं मरेगा। रखने का जो तरीका आप देख लीजिए वीडियो में किस तरह से रखा हुआ है, नीचे जो है पुआल, यानी कि गर्मी बना हुआ होना चाहिए, बच्चे को ठंड नहीं लगेगा तो बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे को आप रूम में रखें आराम से, और नीचे में हीट के लिए आप जो है पुआल रख दें, और ऊपर लाइट जलना चाहिए। लाइट इसका मतलब ये नहीं कि लाइट सिर्फ रोशनी के लिए मैं बता रहा हूँ, लाइट काफ़ी ऊपर भी लगा सकते हैं जिससे कि रोशनी उसको सिर्फ मिलता रहे, धूप में ले जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को धूप में ले जाते हैं, फिर छांव में लाते हैं, धूप में ले जाते हैं ताकि उसको विटामिन डी मिले, तो उससे उस बच्चे को कुछ नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा का बर्थ होता है तो वो पेड़ के अंदर होता है, 1 से 1.5-2 महीने के बाद ही वो बाहर निकलता है, जबकि सूरज की रोशनी उसको मिलता है। तो ये नेचुरली तरीका मैंने आपको बता दिया, जब वो छोटा है तो उसको धूप लगाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी बास्केट, किसी टोकरी या फिर किसी कार्टून में आप रख सकते हैं, 1.5 से 2 महीना आप आराम से अंदर रखें। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ जाता है बड़े बच्चे में, उसको फिर आप धूप वगैरह लगा सकते हैं, फिर जो आपको रेगुलर डाइट है आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये देखिए, जो सत्तू मैं पिला रहा हूँ इसको 3 टाइम देना है
सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 से 2 के बीच और शाम को 5 से 7 के बीच। 3 टाइम अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप 2 टाइम भी फीड अगर देंगे तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। फीड देने का जो इसका 5 ml है, एक बार में देना है जो है आपको 5 ml देना है, सुबह 5 ml और शाम को 5 ml। इस साइज के बच्चे का मैं बता रहा हूँ, बच्चा जिस तरह से बढ़ता जाएगा उस तरह से हमें ml का जो क्वांटिटी है यानी फूड का जो क्वांटिटी उसको बढ़ाना होगा। अच्छा, बच्चे को पकड़ने का तरीका, जो इनको हेड से पकड़ के ही आप उठाएं, हेड जो इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है कि देखने में आपको लगेगा कि वो हेड से उठाने से काफ़ी इनको तकलीफ होगा। जब इनको दोनों हाथ से आप उठाएंगे तो इनका क्या है कि पेट चपेगा, पेट बिल्कुल भी चपना नहीं चाहिए, पेट पर हाथ नहीं रखना है आपको, और ना ही आपको पंख पकड़ के उठाना है। आपको जो है हेड पकड़ना है और नीचे से पैर को सपोर्ट देना है। एक हाथ से आप लेफ्ट हैंड से अपना बर्ड्स का हेड पकड़ कर ऊपर लिफ्ट कर दें और नीचे राइट हैंड से उसका पैर पर सपोर्ट दे दें ताकि उसका जो बॉडी का वेट है वो आपके हाथ के ऊपर आ जाए। इस तरह से आपको बर्ड को रखना है। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। और इस तरह का बर्ड आप परचेज करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ के आसपास अपने मार्केट लोकल मार्केट से जनवरी से मार्च के महीने में जो कि ये मिलता है तो आप जाके वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिव बच्चा मिलता है तो आप ज़रूर इसे रखें घर में, और इसको फूड किस तरह से देना है मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है तो वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।